हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्लास टेंथ का सामाजिक विज्ञान का मासिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र, जो कि अगस्त माह का है और आपके कल के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए, यदि इसके पहले आपने जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ताकि आपके सारे टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यार इसका समय 1 घंटा है, जैसा कि सारे टेस्ट का है। बाकी उसके अलावा 20 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 जो है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 4 अंक की प्रश्न है, मतलब कि प्रत्येक जो सही विकल्प के अंदर प्रत्येक प्रश्न दिया गया है वो 1-1 अंक का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वन संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है जो है वो है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण जो है वो है स्थानांतरित कृषि के लिए। स्थानांतरित कृषि की वजह से वनों की कटाई की जाती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 में। ये डेट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। फिर विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था। तो यहीं पे इसका जवाब है 2 ऑप्शन में से ही, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी 4 अंक के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहला है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, जिस राज्य के आप निवासी हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के खालिस्तान नामक स्थान पर किया था। तो चंपारण नामक स्थान पर किया था। इसको कैसे लिखना है ये देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो है बिहार के चंपारण, ठीक है, बिहार के चंपारण। ये दूसरे खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे, तीसरा है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हुए। तो इसका जो आंसर है वो है लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद चौथा है, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका RBI, ठीक है, RBI, और इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से आपके जो हैं वो अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 2 अंक का ये प्रश्न है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। तो ये देखिए, ये है इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में जो आरक्षित वन है उससे आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, मतलब कि कुछ सीमा बनाई गई है कि इस तक इनकी सुरक्षा करना है, ठीक है। इसका जो अधिनियम है उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद इसका अथवा है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो हम ये देखेंगे कि प्रमुख कारक जो प्रत्यक्ष हैं वो क्या है, आवास में परिवर्तन, ठीक है, मतलब कि यदि उनका रहने का जो स्थान है वो बदलता है तो जलवायु यानी कि बारिश गर्मी किस प्रकार पड़ रही है उसमें परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, जैसे कि कोई ऐसी प्रजातियां जो कि उन्हें विलुप्त कर देती हैं, तो उसमें भी अति दोहन और प्रदूषण, ये सब जो कारण है वो कि जैव की जो विविधता कि किसी जगह पे कोई जानवर अधिक पाया जा रहा हो किसी स्थान पर कोई, तो ये जो विविधता उसका कारण, ये जो कारक हैं वो इसमें जिम्मेदार हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। ये प्रश्न जो है वो आपका 3 अंक का प्रश्न है।
देखिए क्या हुआ था कि फरवरी 1922 में एक जो किसानों का समूह था उसने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद उसमें वहां पर आग लगा दी। ये जो अग्निकांड हुआ उसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई, लेकिन गांधी जी हिंसा करके किसी भी तरीके की स्वतंत्रता हासिल नहीं करना चाहते थे, तो हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया और उन्हें यह आंदोलन लेना पड़ा वापस। उसके बाद फिर हम देखते हैं भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध के कुछ कारण हैं। इसमें क्या था, अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए वो जेल में डाल सकते थे। दूसरा था उसके बिना किसी दलील या अपील की अनुमति नहीं थी, उसके जो भी व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की दलील की अनुमति नहीं दी गई थी और यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। तो ये तीन इसके कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। फिर प्रश्न क्रमांक 5, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण आधार की मांग क्यों करते हैं, ये भी 3 अंक का प्रश्न है। तो देखिए उधारदाता क्या होता है, उधार देते समय ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। ठीक है, ऋणाधार को इसलिए मांगता है वो क्योंकि जिससे वो सुनिश्चित कर पाए कि हाँ जो सामने वाला है वो लौटा देगा पैसे। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर जो ऋणाधार यदि कर्जदाता जो है तो उसको जो ऋणाधार मिलता है उसको बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है यदि कोई भी ऋण वापसी नहीं करता है तो उस कंडीशन में। उसके बाद हम देखेंगे ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि औपचारिक जो स्रोत है उनकी कार्यप्रणाली में रिजर्व बैंक की नज़र होती है और जो अनौपचारिक है उनकी कोई संस्था निर्धारित ऐसी नहीं है। औपचारिक वाले में ब्याज दर कम होती है, अनौपचारिक में ब्याज दर अधिक होती है। औपचारिक में ब्याज दर सरकार के द्वारा निश्चित होती है क्योंकि रिजर्व बैंक इसकी देखरेख कर रहा है, जबकि अनौपचारिक स्रोत में ऋण देने वाला ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, मतलब उनकी खुद के द्वारा निश्चित की गई दरों पर वो ब्याज लेते हैं और पैसा उधार देते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, ये 4 अंक का प्रश्न है, नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। तो देखिए नमक मार्च उपनिवेशवाद के बाद इस तरह से खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी उपकरण बन गया क्योंकि महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट होकर यहाँ पे एकजुट कर सकता था। उन्होंने 11 मांगों को बताते हुए वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा था और भोजन की नमक जो है वो एक भोजन की आवश्यक वस्तु थी और अमीर गरीब समान रूप से सेवन करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नमक को एक ऐसा आधार बनाया क्योंकि ये सभी रोगों को जोड़ के एक साथ इसके लिए मार्च या फिर किसी भी प्रकार का खिलाफ में जो प्रदर्शन करना उसके लिए एकजुट कर सकता था। अब उसके बाद अंतिम प्रश्न, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। साइमन कमीशन जो था वो 7 सदस्यों का एक समूह था जो कि ब्रिटिश के थे, ठीक है, और यह संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारत आया। यह जो समूह था वो भारत आया और इसके प्रति लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था क्योंकि इसने भारत के भविष्य का निर्धारण इसे करना था। उनमें एक भी लेकिन भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया था, अर्थात सारे ब्रिटिश के सदस्य थे, इसलिए भारतीय लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसका विरोध किया। चलिए ये था आपका सामाजिक विज्ञान का टेस्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।